Two conducting spheres of radii R1 and R2 are kept widely separated from each other. What are their individual capacitances? If the spheres are connected by a metal wire, what will be the capacitance of the combination? Think in terms of series parallel connections. स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहा है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है और दोनों वाइडली सेपरेटेड है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सो डेट कि दोनों एक दूसरे से अनअफेक्टेड है। तो हम लोगों को ये दोनों कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालना है। अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, तो C1 और C2 का सिंपली हमें वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर मान लेते हैं कि चार्ज है Q1, इस पर मान लेते हैं चार्ज Q1 है और इसका पोटेंशियल है V1, ठीक है। उसी तरह इसका चार्ज मान लेते हैं Q2 है, इसका चार्ज मान लेते हैं Q2 है और इसका पोटेंशियल है V2, ठीक है। तो कैपेसिटेंस निकालना है, तो समझिए कैपेसिटेंस के लिए स्टूडेंट कैसे सोचेंगे, Q=CV, ये एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है, जनरल रिलेशन। मतलब अगर किसी का भी कैपेसिटेंस आपको निकालना हो, कोई भी कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई किसी भी तरह का कोई कैपेसिटर है, उसका अगर कैपेसिटेंस आपको निकालना है, तो यहाँ से C=Q/V, मतलब सिंपली उस पर कितना चार्ज है और उसका पोटेंशियल से उसको डिवाइड कर दीजिए। ये एक जनरल कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो अगर इसका चार्ज Q1 है, पोटेंशियल V1 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोगों को इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1=Q1/V1, मतलब Q1/V1 का वैल्यू हमें निकालना है। स्टूडेंट इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में कि अगर कोई कनेक्टिंग स्फीयर है, चार्ज Q1 है, R1 रेडियस का, उसका पोटेंशियल V1 है, तो V1 कितना होता है, 1/4πε0 × Q1/R1, Q1/R1, क्लियर है स्टूडेंट। यहां से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं Q1/V1 इधर आएगा, तो Q1/V1 = 4πε0, दिस साइड में जाएगा 4πε0 R1, और ये Q1/V1 ही है, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसलिए C1 कितना हो गया, 4πε0 R1, ये इसका कैपेसिटेंस निकल गया। ऑब्वियसली ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ R1 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो आंसर आपका सिर्फ R1 के टर्म में, बाकी तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस हो गया 4πε0 R1, और सिमिलरली आप समझ सकते हैं इसका जो कैपेसिटेंस होगा C2 इसका जो कैपेसिटेंस होगा, दिस विल बी 4πε0 R2, एकदम बिल्कुल सिमिलर तरीके से इसका भी कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि सपोज कीजिए कि अब ये दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को हम एक मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, सपोज कीजिए एक मेटल वायर से इस तरह से इसको हम कनेक्ट कर दिए, मेटल वायर से स्टूडेंट, जब जैसे ही आप इसको कनेक्ट कीजिएगा, अभी क्या है कि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। कनेक्ट करने के पहले दोनों का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V1 है, अलग वैल्यू है कुछ, ठीक है, इसका पोटेंशियल V2 है, कुछ अलग वैल्यू है। लेकिन आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, जैसे ही आप कनेक्ट कीजिएगा तो चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगेगा। इनफैक्ट हम लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर V1 और V2 में से किसका वैल्यू ज़्यादा है। सपोज कीजिए, ऑब्वियसली पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर Q1, R1 ये सब का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू। अगर मान लेते हैं कि V1 का वैल्यू V2 से ज़्यादा होगा तो चार्ज इस तरह से इसमें फ्लो करने लगेगा, इस कंडक्टिंग स्फीयर से इस कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज फ्लो करने लगेगा। कब फ्लो करेगा, ये डायरेक्शन तब होगा जब हम मानेंगे कि V1 का वैल्यू V2 से ज्यादा है। क्लियर है, चार्ज हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी की ओर फ्लो करने लगेगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक फ्लो करेगा। क्लियर है, तो मान लेते हैं दोनों का पोटेंशियल, फाइनली ये फ्लो किया और फाइनली आपका दोनों का पोटेंशियल मान लेते हैं V-, इसका भी पोटेंशियल V- मान लेते हैं, इसका भी पोटेंशियल V-, यहां पर ये इंपॉर्टेंट लाइन आप मेंशन कर सकते हैं थ्योरी में, हालांकि हम लोग देख चुके हैं कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अंटिल बोथ विल अटेन द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल को अगर V-, हम लोग मान लेते हैं, तो हम लोगों को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब ये जो कॉम्बिनेशन जो है दो कंडक्टिंग स्फीयर का, अब हमको इसका कैपेसिटेंस निकालना है। स्टूडेंट सिंपली आप समझ सकते हैं कि जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है, क्वेश्चन में भी हालांकि दिया हुआ है कि थिंक इन टर्म्स ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स का, तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है कि वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो याद कीजिए, जब भी अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनके क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, और जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज
तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब कि पोटेंशियल सेम है, जब दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है कहने का मतलब है कि ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं इसका मतलब वो पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलली कनेक्टेड है। यहाँ पे एक लाइन आप लिखेंगे, चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। सिंस कॉमन पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, कॉमन पोटेंशियल हो गया मतलब सेम हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हो गया कि पैरेलली कनेक्टेड है, इसीलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस हम लोग को पता है 4πε0 4πR2 पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 + C2, दिस इज 4πε0R1 + 4πε0R2 कॉमन लेंगे तो 4πε0R1 + R2, दिस इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? थोड़ा डिटेल में अगर जाना चाहे तो बेसिक तरीके से थ्योरी में वहां पर देख चुके हैं हम लोग, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इनफैक्ट क्या है ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। अब इसको आप एक कैपेसिटर की तरह जब एज्यूम कर रहे हैं तो अभी क्या है कि ये दोनों कंडक्टिंग स्फीयर का इस कंडक्ट ये अगर ये कैपेसिटर है तो इसका एक दूसरा प्लेट क्या होता है स्टूडेंट, इनफैक्ट हम लोग इन्फिनिटी पे एज्यूम करते हैं, इसका जो दूसरा प्लेट है वो इन्फिनिटी पे एज्यूम हम लोग करते हैं जिसका पोटेंशियल क्या होता है जीरो होता है। उसी तरह इसका भी जो दूसरा प्लेट होगा वो इन्फिनिटी पे होगा जिसका पोटेंशियल जीरो होगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो कैपेसिटर है, अब ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का एक जो प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट और इस कैपेसिटर का भी ये प्लेट दोनों सेम पोटेंशियल पे है। कितना पोटेंशियल पे है? Vdus, दोनों का पोटेंशियल सेम है। और दोनों का दूसरा जो प्लेट है, इसका भी ये प्लेट और इसका भी ये प्लेट, जो दोनों इन्फिनिटी पे है, दोनों का पोटेंशियल जीरो है। मतलब वो दूसरा प्लेट का भी दोनों का पोटेंशियल सेम है। कहने का मतलब है कि सिचुएशन कुछ ऐसा है कि भाई दोनों कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे, दोनों कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे, तभी तो ये दोनों का ये प्लेट जो है, ये प्लेट जो है मान लेते हैं ये इनर प्लेट है, आई से दोनों एक पॉइंट से कनेक्टेड होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। और जो आउटर प्लेट जो इन्फिनिटी पे हम बता रहे हैं वो दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, जो कि इनफैक्ट जीरो पोटेंशियल होगा। तो कहने का मतलब है कि यहां से बहुत ही क्लियर है कि दोनों जो है वो पैरेलली कनेक्टेड होंगे, एंड सो दिस विल बी द रिजल्ट।